लेकिन अब पबजी और फ्री फायर है। और इमोशंस हुआ करते थे, अब तो सिर्फ इमोशन। पहले तो सिर्फ ऑर्कुट था, अब तो इंस्टेंट। मेहरबान कदरदान साहेबान, सभी को हमारा आप सबके सामने हम पेश करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक नुक्कड़ नाटक। नारायण नारायण, प्रभु युवाएं चलाता है। और ये दिन प्रतिदिन कुछ नहीं कर रहा, और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो इन प्रेमियों का है जो मैट्रिमोनियल साइट पर मिलते हैं, ट्विटर पर शादी करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्यार करते हैं, ईमेल और जीमेल रखके बाद में उनसे परेशान होकर उन्हें ओएनएक्स पर भेज देते हैं। मनुष्य बर्बाद हो रहा है, कुछ कीजिए। कहाँ रहते हो आजकल? व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, रिप्लाई भी नहीं देते, कहाँ होते हो यार? जिस नारद में सबको इतना गर्व था उसका ही ये हाल है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो सूर्य देव पे इतना रील आया है, कितने हॉट लग रहे हैं यार। यहाँ तो भगवान का यही हाल है, अब तो सिर्फ हर महादेव का ही सहारा है। प्रभु इस पृथ्वी का तो बहुत बुरा हाल है, इस सोशल मीडिया के आधार पर मेरे पीछे फेमस शिव जी का तांडव चल रहा है। लाइक करो, शेयर करो और बोलो जैसे। अरे यार मेरा कंटेंट ऐसे दूसरे चैनल वाले चुराएंगे तो मैं नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ कॉपीराइट। कि सोशल मीडिया से खुद भगवान परेशान है, अब देखते हैं इंसान का क्या हाल है। सेल्फी मैंने ले ली, ले ली। हे गाइस लुक एट माय न्यू ड्रेस, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे सबसे हसीन तुम सबसे गवाह। तो जैसा कि आपने देखा, इंसान भी लाइक्स के लिए क्या कुछ कर गुजर रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हुआ रिया, इतना परेशान क्यों? अरे यार मैं क्या करूँ, फेसबुक पे क्लटर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो चल मेरे साथ, हम पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन करवाते हैं। किस बात की एफआईआर मैडम? यार ये लड़की लोग सुना बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा मैडम आप उसका नाम बताओ क्या है? एक नाम हो तो बताओ, बहुत सारे नाम है। अच्छा वो दिखता कैसा है जरा वो बता दो। नहीं पता वो कैसा दिखता है। अच्छा एक काम कीजिए, आप उसका एड्रेस दे दीजिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है उसका ढूंढ निकालेगा। अच्छा तो एक काम करो, ये क्या इंसान है कि भूत प्रेत? आपने उसको फॉलो किया? ना जी ना। आपने उसको टच किया? ना जी ना। अच्छा तो पप्पी वाले? ना जी ना। ना जी ना। अच्छा तो किस बात की एफआईआर? अरे सर वो लड़का उसे फेसबुक में परेशान करता है। अरे मैडम ये फेसबुक अपने एरिया में नहीं आता है, आप लोग जाइए हमको अपना काम करने दीजिए। चल यार पुलिस से कुछ नहीं हो पाएगा तो चल ब्लॉक कर। सर आपने तो बिना से जाने केस का तो कर दिया सर। वाह सर, पर जैसा कि हम सब जानते हैं साइबर क्राइम हर दिन बढ़ता जा रहा है, और हर साल करीब 14 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर होते हैं, और उनमें से कितने सॉल्व होते हैं हमें किसी को अंदाजा नहीं। भाई इधर देखना, एक
खोपड़ी तोड़ साले का, तुम लोग मारना मेरे को। धन्यवाद मैडम। जैसा कि हम सबने देखा सोशल मीडिया के काफी ज्यादा नुकसान है, अब हम सब उसके फायदे देखते हैं। अरे यार, मेरे फ्रेंड के पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, मिल ही नहीं रहा है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, हमारे फ्रेंड के पापा की हेल्प हो जाएगी। दो घंटे बाद अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, मैं अभी जाके अपने फ्रेंड को बता देती हूँ। जैसा कि आप सबने देखा होगा इस नाटक में कि सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान बहुत हैं। वो अलग बात है कि हम नुकसान को ज्यादा भाव देते हैं और फायदे को बहुत कम देते हैं, पर हमें सोशल मीडिया से दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करके खुद को कम नहीं देखना चाहिए। और आज हम सब ये मिलकर प्रण लेते हैं कि सोशल मीडिया का मर्यादा में ही पालन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ब्लड होने के